जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताइए कि वो कौन सी ऐसी फर्स्ट इंग्लिश मूवी है जो आपने सबसे पहले देखी थी। मेरे ख्याल से जो आपने बचपन में देखी थी। मुझे याद है मैंने जो फिल्म देखी थी वो थी बेबीज डे आउट, जो कि बहुत ही मज़ेदार मूवी थी और सबको ही पसंद आई थी। इसके बाद जो सबने जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी सबसे पहले वो थी टाइटैनिक, और मैंने भी उसके बाद टाइटैनिक ही देखी थी और ज़्यादातर लोगों को टाइटैनिक ही याद है। तो लेकिन आज ये हमारे चैनल का जो फर्स्ट इंग्लिश मूवी का रिव्यू होने वाला है और जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, मूवी है ओपनहाइमर, जो मैंने कल रात को देखी। और ओपनहाइमर मुझे उतनी ही समझ में आई जितनी कि आम आदमी को बिटकॉइन समझ में आता है। दोस्तों अगर ओपनहाइमर के प्लॉट के बारे में बात करें तो ज़्यादातर लोगों जैसे पता ही है कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जो थे वो न्यूक्लियर वेपन उन्होंने सबसे पहले बनाया था, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर भी कहा जाता है। उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो कि अमेरिका का था उसको लीड किया था और अमेरिका के लिए उन्होंने जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। तो बेसिकली मूवी का जो प्लॉट है वो इतना ही है कि किस तरीके से जो ओपनहाइमर है वो फिजिक्स सीखते हैं, फिजिक्स के पहले स्टूडेंट हैं, उसके बाद वो फिजिक्स के प्रोफेसर भी बनते हैं और उनसे ऊपर जो हैं, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जब चल रहा था ये वर्ल्ड वॉर टू के दौरान की पूरी स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस वक्त उनको जो है अमेरिका बुलाया जाता है इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए और उसमें वो सक्सेसफुल भी होते हैं। इनके अलावा जो जो मेन लीड है उसको निभाया है किलियन मर्फी ने, रॉबर्ट डाउनी जूनियर है उनके साथ, मैट डेमन जो कि यूएस आर्मी के एक जनरल का रोल प्ले करते हैं। मुझे जो इस फिल्म में जो सबसे ज़्यादा जो अच्छे सीन लगे वो जो किलियन मर्फी और मैट डेमन के बीच जो बातचीत हो रही थी, मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जिस तरीके से उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। ये पूरा जो इंसिडेंट है इसके होने के बाद जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं, उसका जो सक्सेसफुल वो उसका टेस्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद उनके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाती है जो कि इसलिए बिठाई जाती है क्योंकि उस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे कर देते हैं। यहाँ से ओपनहाइमर का आत्मचिंतन इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट होता है। उनको ये लगने लगता है, उनके दिमाग में ये सवाल उठने लगते हैं कि जो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है वो उन्होंने ठीक किया गलत किया, उनको ऐसा करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इस मूवी में जितने भी करेक्टर्स हैं वो दो तबकों में बटे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनना चाहिए, कुछ लोग जो हैं इसके सपोर्ट में हैं। मूवी में करेक्टर्स बहुत सारे हैं तो आपको करेक्टर्स के नाम और उनकी शक्लें तक याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये मूवी ऐसी नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो, मसाला हो। मुझे लगता है ये जो मूवी का जो पूरा प्लॉट है, जिस तरीके से ये मूवी बनाई गई है, ये बिल्कुल क्रिस्टोफर नोलन जिस तरीके से कंफ्यूजिंग मूवी बहुत बनाते हैं और जो लोग उनके बहुत बड़े फैंस हैं मुझे लगता है वो लोग ये मूवी देख सकते हैं, उनको मज़ा आएगा ये मूवी देखने में। मुझे मूवी ओवरऑल ठीक लगी, बट क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो साइंस की बातें जब होती थी, फिजिक्स के बारे में बात होती थी, जो बहुत टेक्निकल टर्म जो वो यूज़ करते थे वहाँ पर मुझे इस मूवी को समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो बेसिकली मूवी का प्लॉट ये है। मूवी के अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो किलियन मर्फी ने जो है, इससे पहले हम पीकी ब्लेंडर्स में उनको देख चुके हैं, बहुत ही अच्छे वो एक्टर है, बहुत ही बढ़िया उन्होंने जो है परफॉर्मेंसेस दिया है। फिल्म में जो कॉस्ट्यूम है, सेट डिज़ाइन है, सब कुछ आपको वो उस एरा में जो है डायरेक्टर ने आपको बांधने का काम किया उस एरा के बीच में। इनके अलावा रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो हैं, उन्होंने जिस तरह से उनका मेकअप हुआ है, वो अपनी एज से बड़े आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो जिस तरीके से उनका पूरा का पूरा जो डिमिनियर है वो आपको फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे उनका ग्लिम्प्स तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर है जो कि आयरन मैन का करेक्टर प्ले करते थे। बट उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनका जो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की मूवी में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। इनके अलावा मैट डेमन है, वो एक जनरल है जो कि बहुत ही एक स्ट्रिक्ट जनरल है और उनकी निगरानी में ही जो पूरा का पूरा मैनहट्टन प्रोजेक्ट है वो जो है चल रहा होता है, तो उन्होंने भी अच्छा दिया। इनके अलावा जो ओपनहाइमर की बीवी का जो रोल प्ले किया है वो किया है एमिली ब्लंट ने, जिनको हम इससे पहले क्वाइट में देख चुके हैं। तो बेसिकली मैं कहूँ तो परफॉर्मेंसेज जो है क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ में जो एक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है, एक्टर इसमें सब अच्छे हैं तो सबने अच्छी एक्टिंग की है। यहाँ पे स्पेशल मेंशन मैं करूँगा जो इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक जिस तरह से टेंस सीन जब उन्होंने फिल्माए हैं डायरेक्टर ने उसको बढ़ाने का काम करते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है जब विस्फोट होता है
विस्फोट से ज्यादा है कि मुझे कई सीन ऐसे थे जो कि दिखने में विजुअली बहुत ही सुंदर लग रहे थे, और अपेरेंटली सुनने में ये भी आता है कि जो क्रिस्टोफर नोलन है उन्होंने इस विस्फोट के लिए जो है किसी तरह का CGI या स्पेशल इफेक्ट यूज नहीं किया, उन्होंने वो विस्फोट जो है असल में किया है, वो सचमुच में किया है, जो कि दिखने में बिल्कुल रियल लगता है और आपको देख के आपको ऐसा लगेगा ये कोई विस्फोट जो है नॉर्मल जो हम मूवीज में बहुत सारे देखते हैं उस तरह का कोई बनाया हुआ नकली वो फील नहीं होता है। और दोस्तों इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक की बात हमने कर ली है, अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल मूवी के बारे में अगर मैं कहूँ तो आप लोग एक बार देख सकते हैं जिन चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ, साइंस और ये सब टेक्निकल चीज़ों को अगर आप अवॉइड कर दें तो मूवी नोलन के स्टाइल में बोलूँ तो उन्होंने अपने ही स्टाइल में बनाई है, तो उन्होंने मूवी के साथ जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा ही किया है। और कई लोगों को हो सकता है मूवी बोर भी करे, क्योंकि मैं देख रहा था जब मैं हॉल में बैठा था तो एक घंटे के अंदर अंदर कुछ लोग उठ के चले भी गए थे, क्योंकि इस मूवी के अंदर कैरेक्टर जो इतने सारे हैं वो सिर्फ एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि मूवी में इसके अलावा कुछ है नहीं। जिन लोगों को इस तरह की मूवीज़ पसंद है, ये मूवी आपको थोड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट्री टाइप का भी थोड़ा सा फील देगी, जो इस तरह की मूवीज़ देख सकते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस से है, जिनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, हो सकता है ये मूवी उन लोगों को पसंद आए। तो दोस्तों ये था मेरा इस मूवी का रिव्यू, मैं आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूंगा, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।